उसे छल किए जाए। I'm so sorry. आप सबको मेरे लिए इतना वेट करना पड़ा। अब कोई इतना खूबसूरत दिख रहा हो तो उसका इंतजार भी खूबसूरत ही होता है, राइट? अब एक औरत का पॉइंट ऑफ व्यू रखना भी बहुत जरूरी है। इनफैक्ट देखकर ऐसा ही लगता है कि एक औरत के दिल को ही बाहर निकाल कर रख दिया है देखने वाले के सामने। एक्चुअली अरमान बहुत अच्छे से समझते हैं औरत के दिल को, एकदम जादूगर हैं अरमान। तभी तो औरतों के मन को इतना अच्छे से समझते हैं, उनके दिल को, उनके एहसासों को। तभी तो वो इतनी खूबसूरती से अपनी कहानियों में उतार पाते हैं। ओह गॉड, मैं भी क्या बातों में उलझ गई। आप लोगों के लिए खाना लेकर आती हूँ। थैंक यू। अब चाहिए, मैं खाना लेकर आती हूं। फास्ट आना। खुशबू से ही पता चल रहा है कि खाना कितना टेस्टी होगा। Seriously, thank you so much, Soumya. तुमने इतने efforts लिए हमारे लिए, इतनी मेहनत की खाना बनाने के लिए, thank you so much. Actually, मैं आप लोगों को एक सच बताना चाहती हूं। कहीं सौम्या ये ना बता दे सबको कि इस शो के एपिसोड सौम्या ने लिखे, मैंने नहीं। यस प्लीज गो अहेड। अब जिस खाने के लिए मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रहे हैं वो खाना मैंने नहीं बनाया। I'm sorry, पर एक्चुअली मैं उसी काम के लिए क्रेडिट चाहती हूँ जो काम मैंने एक्चुअली में किया है। अब भले ही मुझे अपने अच्छे काम के लिए अपना नाम ना मिले या तारीफ ना मिले, लेकिन उस वजह से मैं झूठ बोलकर किसी के किए हुए काम पे अपने नाम का लेबल लगाकर उसके हक की तारीफ छीनूं, मैं ऐसा कभी नहीं करती। इसलिए अगर आपको खाना अच्छा लगा हो तो नाम और तारीफ हमारे शेफ की होनी चाहिए, मेरी नहीं। दिस इज नॉट राइट अरमान, आपने हमसे झूठ बोला कि ये खाना मिसेस सौम्या ने बनाया। हम तो आपकी वाइफ के हाथ का खाना खाने आए थे। रियली अरमान, अपने झूठ का हमसे अभी योर जोक। आपने जो झूठ कहा है उसके बाद फ्यूचर में साथ काम करते वक्त क्या हम आप पर ट्रस्ट कर पाएंगे? आपको अगर शेफ से ही बनवाना था खाना तो हमें इनवाइट करने की जरूरत ही नहीं थी। ये तो आपने हमारी इंसल्ट की है। ऑल राइट अरमान ओबेरॉय, यू आर कॉट। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम रियली सॉरी, बट मेरे लिए ये डैम इफ आई डू इट डैम इफ आई डोंट डू इट वाली सिचुएशन थी। द फैक्ट इज कि सौम्या बीमार थी, शी वॉज नॉट फीलिंग वेल। और ऐसी सिचुएशन में मैं अपनी डियरेस्ट वाइफ ही को परेशान नहीं करना चाहता था।
सो मैंने खुद आपसे कहा कि वो लेट इसलिए आई नीचे बिकॉज उसे अच्छा नहीं लग रहा था. अब ऐसे में मैं उस पर इतना प्रेशर नहीं डालना चाहता था कि वो खाना बनाए, यू नो. एंड ऑन द अदर साइड आप लोग मेरे घर का इंदौरी खाना खाना चाहते थे, कितने शौक से आप यहाँ पे आए थे, तो मैंने सोचा कि मैं शेफ को बोल देता हूँ बनाने के लिए. क्या मैंने झूठ कहा, बट व्हाट डू आई से, इस वक्त मैं आप सबके सामने एक विलन दिख रहा हूँ. लेकिन हम सब जानते हैं कि हस्बैंड टेलीविजन में विलन जरूर हो सकते हैं लेकिन रियल लाइफ में नहीं होते. क्या कहूं, बेचारा पति. ऐसी फीलिंग आ रही है. I'm sorry man, but मुझे नहीं पता था कि आपको हमारे वजह से इतना इनकन्वीनियंस होगा. I mean, हम तो सिर्फ सौम्या के हाथ का खाना खाने आ रहे थे. It's okay, you know, फिर कभी. No, no, please, please, please sit down. आप हमारे गेस्ट हैं और आज तक ऐसा नहीं हुआ कि ओबेरॉय के गेस्ट इस तरह से गए. So please, I request you. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.